हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस लेकर आया हूं, जिनको आपको अपने बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उनमें से बहुत से डेरिवेशन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर 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 मिलेंगे। तो कृपया करके इन डेरिवेशन को अपने एग्जाम में जाने से पहले 4-5 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो वो डेरिवेशन कौन से हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने डेरिवेशन पर चलते हैं। वो डेरिवेशन है कौन से, तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहला डेरिवेशन कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास यूजिंग हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी का यूज करते हुए हमको स्नेल्स लॉ को, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमको क्या बोलता था कि साइन आई अपॉन साइन आर, क्या कहता था हमसे, हमारे पास था साइन आई अपॉन साइन आर, वो हमारे पास क्या आता था, इक्वल्स आता था एक कांस्टेंट के। अब हमको उसका यूज़ करते हुए हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है अपने स्नेल्स लॉ को। तो ये हमारे पास कौन से चैप्टर से था, ये था हमारे पास वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स से हमारे पास ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको अपने एग्जाम से पहले देखना है। इन पर ध्यान रखना, इसमें आपके पास ये दो डायग्राम्स बनेंगे और इन डायग्राम के बेसिस पर आप इस डायग्राम को भी बनाते हैं तो चलेगा काम। आप इस डायग्राम को बनाइएगा उसमें, और उसके बेसिस पर आपके पास ये दो कंडीशंस निकल कर आएंगी जो स्नेल्स लॉ को प्रूफ करेंगी। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, जहां पर C1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, C2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, N2 और N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं सेकंड और फर्स्ट मीडियम के। तो आपके पास सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो है यूजिंग हाइगेंस वेव थ्योरी, आपको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करना है, डिराइव करना है। चलते हैं अपने सेकंड डेरिवेशन पर। सेकंड डेरिवेशन क्या है हमारे पास, ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो ये आपके पास रे ऑप्टिक्स का चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स में से ये आपके पास जो डेरिवेशन दिया गया है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसमें हमारे पास ये डायग्राम बनता है और इसके बेसिस पर हम अपने लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। लास्ट में जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन निकल कर आती है, जो फॉर्मूला निकल कर आता है, वो कितना निकल कर आता है, 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1-1/r2। तो रे ऑप्टिक्स में से ये जो डेरिवेशन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं अपने थर्ड डेरिवेशन की ओर। हमारा थर्ड डेरिवेशन कौन सा है, ओबटेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। अब देखो ये हमारे पास चैप्टर फर्स्ट यो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD फील्ड एंड चार्ज, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाला जो चैप्टर था ये उससे डेरिवेशन है। इसमें हमको गॉस लॉ का यूज नहीं करना है, गॉस लॉ का यूज किए बिना ही हमको यहाँ पर इसको ड्राइव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी एक लॉन्ग वायर की वजह से उसकी एक्सिस पर उसको लैम्डा के टर्म्स में लेकर आना है। तो उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा E = लैम्डा अपॉन 2π ε0 r, ये ε0 r है। अब देखिए हम थर्ड डेरिवेशन पे हैं, मैं अभी आपको सारे डेरिवेशन बता देता हूँ और इनमें से अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके सेपरेट डेरिवेशन को पूरा करवा कर आपकी एक वीडियो बनाऊँ तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको इस डेरिवेशन की एक वीडियो बनाकर दे दीजिए, तो मैं आपको उस डेरिवेशन की वीडियो बनाकर दे दूंगा जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे कैसे अपने डेरिवेशन को कर सकते हैं। चलते हैं अपने डेरिवेशन फोर्थ नंबर की ओर। हमारा फोर्थ डेरिवेशन क्या कह रहा है, फोर्थ डेरिवेशन कह रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखो ये आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला डेरिवेशन तो आपसे आता होगा। ये किस में से है, ये है रे ऑप्टिक्स में से, ये भी हमारे पास रे ऑप्टिक्स में से है, रे ऑप्टिक्स में से। इसका जो लास्ट में हमारे पास निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम ओवर 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो आप इस डेरिवेशन को भी बहुत ईजीली देख लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, ओबटेन द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव EMF एंड द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो हमारे पास ये दो सेल्स हैं, हमने इन दोनों सेल्स को एक
पैरेलल सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारे पास इफेक्टिव ईएमएफ आएगा और हमारे पास इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा, हमको उसका फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला लिख दिया है, ये लास्ट में आपके सामने निकल कर आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका पांचवा बहुत मेन डेरिवेशन है जो आपको अपने एग्जाम से पहले देखना है। चलते हैं अपने सिक्स डेरिवेशन की ओर। क्या है हमारा सिक्स डेरिवेशन? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हम जानते हैं जब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली, जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल होगी, तो इसका मतलब यह है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल जो होती है वो क्या होती है, एक तरीके से आपका कंडक्टर, कंडक्टिंग सेल्स है। तो वो जो कंडक्टिंग सेल है, हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि जो भी आप चार्ज उस कंडक्टर को दोगे वो उसकी सरफेस पर फैल जाता है पूरे में, तो इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। जब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, जीरो। अब आपको ये डायग्राम बनाना था, ये डायग्राम बनाना था, और ये आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए डिनोट करना था, ये ग्राफ बनता। तो यहाँ पर वो सब पूछे थे, मैंने वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा दी हैं। आउटसाइड सेल का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले इस वजह से और लिखे हैं ताकि आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है आप अपने फॉर्मूले से मैच कर सको, क्या ये से आपका सही आ रहा है या नहीं। तो आपका काम क्या है, आप इस डेरिवेशन को भी जाने से पहले देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, अब हमको क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, ये चैप्टर नंबर 2 में से है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में से। तो आपको क्या करना है, इसका डेरिवेशन निकालना है जो कितना निकल कर आएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। इसमें एक डेरिवेशन और था, वो कौन सा डेरिवेशन था, जब हम इन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की कोई हम स्लेट रख देते थे, कोई हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते थे, उसकी कुछ थिकनेस होती थी टी। तो आपको एक डेरिवेशन ये देखना है, आप एक काम कीजिएगा, आप उस डेरिवेशन को भी एक बार और देख लीजिएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसके साथ साथ जब इसको कर रहे हो तो इसके साथ साथ उसको देख लीजिएगा, तो आपके दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने डेरिवेशन 8 की ओर। हमारा 8 डेरिवेशन क्या कह रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। देखो, आ गया हमारे सामने, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक चैप्टर था, उस चैप्टर से ये डेरिवेशन है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, उसकी एक्सिस पर ऑफ ए सर्कुलर। ये हमारे सामने सर्कुलर क्या हो गए, करंट कैरिंग लूप है, हमें इसकी एक्सिस पर कहाँ पर क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम बनेगा इसका, और जब आप इसका डेरिवेशन कंप्लीट लास्ट में आओगे तो आपको कितना फॉर्मूला मिलेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड में से ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने डेरिवेशन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 क्या है, प्रूव दैट द करंट डेंसिटी ऑफ एन मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, मैंने यहाँ पर भी एक डायग्राम बना दिया है। क्यों बनाया है, डायग्राम बनाने से टीचर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। आप डायग्राम बनाओगे तो टीचर को लगेगा ना कि हाँ, इस बच्चे ने डायग्राम बनाया, इसका मतलब इसको आता होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो वहाँ पर डायग्राम बना दो, इससे क्या होगा, टीचर पर इफेक्ट पड़ेगा, वो हमको नंबर बहुत अच्छे देगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक डायग्राम बना दोगे छोटा सा, और जब इसको डिफाइन करोगे तो ये आपके सामने ये निकल कर आएगा, तो यहाँ पर आई अपॉन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ये ड्रिफ्ट वी डी है, ये वी स्मॉल डी, ये वी स्मॉल डी है, स्मॉल डी। आई अपॉन ए क्या होता है, इसी आई अपॉन ए को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे से। जे बराबर जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके वी और डी के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। अपना नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, शो दैट द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास नंबर, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब हमको क्या करना है, देखो आपके सामने ये चैप्टर है न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, ये न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से है। न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में हमको क्या प्रूफ करना है कि डेंसिटी जो होती है वो न्यूक्लियस की, वो उसके मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, वो उसके इंडिपेंडेंट होती है। तो इस डेरिवेशन को भी आपको देखना है।
अब चलते हैं क्वेश्चन डेरिवेशन नंबर 11 की ओर। हमारा क्वेश्चन डेरिवेशन 11 क्या कहता है, देखो ये कितनी बार कर लिया होगा आपने, है ना। फर्स्ट चैप्टर का है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हमको इस पर क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। ये डायग्राम बनेगा, जब आप इस पर टॉर्क निकालोगे तो लास्ट में आपके सामने ये निकल कर आएगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क भी आपका एक तरीके से फोर्स है। जब आप फोर्स को अपने क्या लगाते हो, एक दो एंटी पैरेलल साइड्स पर लगाएंगे, मतलब ये मान लीजिए आप एक तरफ फोर्स इस तरफ लगा रहे हो और दूसरी तरफ फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो, मतलब दो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। जब दो फोर्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट होंगी, और दूसरी चीज क्या, इसमें दूसरा पॉइंट होता है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे के, उसी को हम वहां पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, उसी को जगह को हम टॉर्क बोलते हैं। तो आपने क्या करा, एक फोर्स इधर लगाया, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, आप क्या कर रहे हो, दो जगह अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, टॉर्क लग जाएगा। जब टॉर्क लगेगा तो आपके सामने क्या निकल कर आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, पीई साइन थीटा। डेरिवेशन 12 क्या है हमारा, डेरिवेशन 12, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। देखो ये भी आपका सेम क्वेश्चन उसी की तरह का है, इसका भी U बराबर कितना निकल कर आएगा, PE cos theta 1 minus cos theta 2। इसमें दो कंडीशन और आ जाती है, एक बार आप क्या करोगे, डाइपोल को इसके अलोंग रख दोगे 0 डिग्री के एंगल पर, एक बार क्या करोगे आप इसको परपेंडिकुलर रख दोगे 90 डिग्री के एंगल पर, एक बार क्या करोगे इसको आप इसके अपोजिट रख दोगे, जब आप इसके अपोजिट रखोगे तो वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर तीन केस और बनेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद वो तीन केस की और डिफाइन कर देने आपको क्वेश्चन। अब हमारे पास है 13th डेरिवेशन। 13th डेरिवेशन क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। अब आपके सामने ये दो पैरेलल कंडक्टर हैं, इनमें क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको इनके लिए एक एक्सप्रेस, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स के लिए आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है, जो एक्सप्रेशन कितना निकल कर आता है, F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πdd। क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप एक बार इस डेरिवेशन को भी देख लीजिएगा। डेरिवेशन 14, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स की वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसके लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है, तो वो कितना निकल कर आता है, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो ये आपके डेरिवेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं, आप इनको प्लीज़ आप इनको एक बार बोर्ड से पहले कई बार देख लीजिएगा, ताकि ये आपको याद हो जाए। जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में देने जाओ तो आपको ध्यान रहे कि हाँ सर ने बताया था, हमने देखा था, हमने याद किया था, हमको याद है, हम इसको कर देंगे। और एक चीज़ का और विशेषकर ध्यान रखना, बोर्ड देखो आपके साथ चालाकी क्या करता है, आप में से वो डेरिवेशन इसी ही पूछेगा, इन्हीं में से कोई डेरिवेशन पूछेगा, बस उनकी लैंग्वेज घुमा कर देगा आपको, आप समझ नहीं पाओगे, बस आपको उन्हीं लैंग्वेज को ही पकड़ना है, आप उन पर विशेषकर ध्यान रखना। ठीक, अब हम अपनी लास्ट डेरिवेशन की ओर देखते हैं। हमारा लास्ट डेरिवेशन क्या है, ड्राइव द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N1 एंड N2 ऑफ टू मीडिया एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R फॉर रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब ये आपके सामने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, इसके और इसका। अब आपको इसके लिए क्या निकालना है, इनके इंडिसेस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो पूरा, तो आपके सामने ये निकल कर आता है N2 ओवर V माइनस N1 ओवर U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 ओवर R। तो ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो किससे है, ये रे ऑप्टिक्स से। तो आप विशेषकर इन डेरिवेशंस को अपने बोर्ड एग्जाम से पहले कई बार देख लीजिए, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है गाइज, और इनमें से अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी डेरिवेशन पर वीडियो बनाऊं, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारे इस डेरिवेशन की आप वीडियो बता दीजिए। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।